चलिए नमस्कार, पुनः हम आपके बीच में उपस्थित हैं रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स की एक छोटी सी क्लास लेकर के, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भौतिक राशियों तथा उनके मापन में हम आपको पढ़ा रहे थे मात्रक और आंकिक मान किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे विमीय सूत्र किस तरह से बनाए जाते हैं, और उसके लिए हम आपको दो तीन विमीय सूत्र जो मूल राशियों के हैं उन्हें हम याद करवाएंगे और उसी की सहायता से धीरे धीरे सारे विमीय सूत्र बनाना सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। आप लोगों को हमने मूल राशियां पढ़ाई थी, और कुछ मूल राशियां आज हम बताएंगे उन्हीं सात में से, और उनका विमीय सूत्र बताऊँगा मैं। विमीय सूत्र आप चाहें तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। एक हमने आपको राशि पढ़ाई थी लंबाई, लंबाई की इंग्लिश होती है लेंथ। इसका विमा सूत्र जो होता है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर L से दिखा दिया जाता है, L फॉर लेंथ। द्रव्यमान, द्रव्यमान इंग्लिश होती है इसकी मास, और इसका जो विमा सूत्र है वो कैपिटल M से दिखा दिया जाता है। समय इंग्लिश होती है टाइम, इसका विमा सूत्र जो है वो टी से दिखा दिया जाता है। ताप इंग्लिश होती है टेम्परेचर, इसका विमा सूत्र हम थीटा से दिखा देते हैं। वैद्युत धारा, इसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसके मात्रक के आधार पर, अम्पियर के आधार पर इसका विमीय सूत्र क्या बताया जाता है, ए बताया जाता है। बाकी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बेटा, इन्हीं से हम सारी विमीय सूत्रों का निर्माण करते हैं। लगभग लगभग टोटल फिजिक्स में सारी विमीय सूत्र यहीं से बना लिए जाते हैं, कैंडेला और मोल को छोड़ करके, उनका ज़्यादा एप्लीकेशन है भी नहीं। दूसरी चीज़, पहली क्लास में हम बड़ा दबाव डाल रहे थे आप पर कि कहीं अगर त्रिज्या कह देता है तो उसे भी आप मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच में ही मापोगे। गहराई कह देता है, चौड़ाई कह देता है, लंबाई कह देता है, ऊंचाई कह देता है, सारी बातें जिसे आप मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच, गज में माप सकते हो वो सब मूल राशियां हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि एरिया, क्या आप एरिया फिट में माप सकते हो? आप एरिया को स्क्वायर फिट में माप सकते हो, लेकिन फिट में नहीं माप सकते। आप एरिया को स्क्वायर फिट में माप सकते हैं, लेकिन खाली फिट में नहीं माप सकते। समझ में आ रही बात? तो कहने का सेंस ये है कि जितनी चीज़ें सेकंड में मापी जा सकती हों वो सब मूल राशि, जितनी चीज़ें मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच, गज में मापी जा सकती हों, जितनी चीज़ें इन सब में मापी जा सकती हैं वो सब मूल राशियाँ ही कहलाएंगी। आप केल्विन कह लो, चाहे फारेनहाइट कह लो, चाहे सेल्सियस कह लो, सब मूल राशियां ही हैं। लेकिन आप कह दो एरिया तो मूल राशि नहीं है, खाली लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई मूल राशि है। अब जैसे देखिए, और दूसरी चीज, किसी भी संख्या का, क्योंकि संख्या एक आंकिक मान है, उसका कोई मूल सूत्र, मूल राशि नहीं होती, मूल विमा नहीं होती। जैसे आपसे कोई कहते भाई पाई की विमा क्या होगी, अरे तो पाई का मान होता है भाई 22/7, इसकी कोई विमा नहीं, ये कोई भौतिक राशि थोड़ी है, ठीक है। अरे जैसे कोई कहते कोण की विमा बताओ, दादू लोग पड़ जाते हैं। अब कोण बराबर क्या है, चाप बटा त्रिज्या। अब यार चाप को भी मीटर में मापोगे, त्रिज्या को भी मीटर में मापोगे, काम खत्म। कोण कैसी राशि हुई, विमाहीन राशि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोण विमाहीन राशि है। चाहे कोई भी कोण हो, चाहे समतली कोण हो, चाहे घन कोण हो, दोनों की कोई विमा नहीं होती। न समतली कोण की कोई विमा होती है, न घन कोण की कोई भी विमा होती है। ये हमको याद करके चलना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने कहा बेटा क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल किसी का भी याद करिए, आप कह लीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग आयत का, वर्ग का कह लीजिए भुजा स्क्वायर, और वृत्त का कह लीजिए पाई आर स्क्वायर। किसी से भी निकाल लीजिए,
क्षेत्रफल एक बात है, इस किसी का भी मापो, यूनिट आप अगर स्क्वायर फिट कह रहे हो तो सबके लिए स्क्वायर फिट ही कहोगे, किसी के लिए आप खाली फिट नहीं बोलोगे। एरिया किसी का भी हो, क्या उसको आप घंटे में निकाल दोगे कि इस कमरे का एरिया इतने घंटा है? नहीं निकाल सकते। अगर वो एरिया की बात है तो वो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फिट, स्क्वायर गज में ही होगा। हमने कहा कि लंबाई भी मूल राशि है तो मूल राशि की बीमा होगी एल, और चौड़ाई भी मूल राशि ही है उसकी भी बीमा होगी एल, तो फाइनली एरिया की बीमा बनी एल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर भी भुजा स्क्वायर, यानी एक भुजा की लंबाई को आप एल में मापोगे, ये सर्किल से अगर देखें तो इसकी कोई बीमा नहीं होगी। त्रिज्या को भी हम सेंटीमीटर मीटर में माप सकते हैं, और जिसको हम सेंटीमीटर मीटर में माप सकते हैं उसको हम बीमा के रूप में एल से दिखाएंगे, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला बनेगा एल स्क्वायर, राइट। अब जैसे देखिए, हम आयतन ले लें, किसी का भी आयतन ले लीजिए, आयतन, आयतन अगर हम घन का ले लें तो भुजा क्यूब, घनाभ का ले लें एल गुणा बी गुणा एच, और अगर शंकु या गोले का ले लें 4/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। किसी से भी निकाल लीजिए, आयतन की बीमा बार बार वही आएगी। जैसे आप बताइए, घन की भुजा को मीटर में मापोगे मतलब एल, या सेंटी में मापोगे तो भी एल, फिट में मापोगे तो भी एल, और कितनी पावर लगी है 3 एल क्यूब। घनाभ में इसको भी एल कहोगे, इसको भी, जिसको आप लंबाई में मापेंगे सबको आप एल कहेंगे, तो फाइनली एल 3 बार आया एल क्यूब। इससे कोई मतलब नहीं आर को एल कहोगे कि नहीं कहोगे, एल क्यूब। इससे कोई मतलब नहीं, सॉरी, पाई और 3 से कोई मतलब नहीं, आर को एल कहोगे और 2 पावर है, ठीक। हाइट को भी तो आप सेंटीमीटर में ही मापोगे या मीटर में या लंबाई में ही तो मापोगे, दैट इज एल क्यूब। क्या कोई प्रॉब्लम हुई बीमा बनाने में? अगर हम बीमा बनाना सीख जाएं तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रटने में आप 1-2 रट सकते हो ना, बहुत सारी थोड़ी रट सकते हो बीमा। ज़रूरी है जो आपने याद की है पेपर वही पूछ ले। अब जैसे समझिए, जैसे हम पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी को काहे में मापेंगे आप एल में, समय को काहे में मापेंगे टी में, इट विल बी फाइनली एल टी माइनस 1, क्योंकि टी ऊपर जाएगा तो पावर जो प्लस होगी वो माइनस हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें आप जैसे मान लो, इसी में हम कहते हैं वेग बराबर, आप कहेंगे विस्थापन बटा समय। अब बताओ विस्थापन को काहे में मापोगे, किलोग्राम में थोड़ी माप लोगे, विस्थापन है, दूरी है, तो उसको फिट इंच गज में ही तो मापोगे, तो वो भी क्या होगा एल होगा, और टाइम अपॉन में है तो अपॉन में टाइम, ये ऊपर जाएगा तो फिर माइनस होगा एल टी माइनस 1। देखिए, जो चाल की आई है वही वेग की आई है, क्योंकि चाल और वेग में इस बात का फ़र्क है ही नहीं, सिर्फ फर्क है तो है स्केलर और वेक्टर होने का, चाल अदिश है और वेग सदिश है, इसलिए दोनों के डायमेंशंस और दोनों की यूनिट भी सेम आ रही हैं। जैसे त्वरण, और आप समझो, अब चाल आपसे पूछे, चाहे चाल में कोई परिवर्तन पूछे, चाहे v का विमीय सूत्र पूछे, चाहे कोई डेल्टा v का विमीय सूत्र पूछे, वो आना एल टी माइनस 1 ही है। यहाँ पर भी वेग का विमीय सूत्र यही आना है। अब जैसे हमसे कोई पूछे त्वरण बराबर, ये होगा वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब समय अंतराल को हो, मान लो अगर आपने समय अंतराल कहा तो उसको गज में थोड़ी नाप दोगे, समय को अंतराल कह लो चाहे समय कह लो, नापोगे घंटा मिनट सेकंड में ही, फाइनली है टाइम ही, तो जो मूल स्वभाव में टाइम है वो टाइम टाइम ही रहेगा। अब ऊपर क्या लिखा है, वेग परिवर्तन, वेग कह लो चाहे वेग परिवर्तन कह लो, मात्रात्मक रूप से तो दोनों बातें वही होंगी,
एल टी माइनस वन। तो अगर ये टाइम और ऊपर जाएगा तो फाइनली ये बन जाएगा एल टी माइनस टू, बन जाएगा कि नहीं। ऐसे ही आप देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे। जैसे हमने कहा बल, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एम जी पढ़ी है या एम ए, सरल सरल यही पढ़े हैं आपने। तो अगर हमें बल का भी सूत्र बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे, एम द्रव्यमान इंटू त्वरण, चाहे गुरुत्वीय त्वरण कह लो चाहे वाला त्वरण, मतलब त्वरण। अब त्वरण जैसी कोई भी बात आएगी तो उसका विमीय सूत्र एल टी माइनस टू ही होगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो ये फाइनली बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। इस तरह से हम सारी बातें सीखेंगे। आगे की क्लास में हम आप लोगों को अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे डीपली। पूरे चैप्टर का एनालिसिस पढ़ने के लिए या कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। प्रथम 50 एडमिशन केवल 599 रुपये में बैच है। आप चाहें तो बैच परचेज कर सकते हैं, ना चाहें तो इतनी क्लासेस रेगुलर आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।